आज के टाइम में कौन नहीं चाहता कि उसकी स्किन शाइनिंग हो, चमकदार हो, ग्लोइंग स्किन हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सिर्फ 10 रुपये में आप किस तरह से कर सकते हो अपने फेस को ग्लो। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ कि सिर्फ 10 रुपये में आप अपनी स्किन को कैसे चमका सकते हो। तो यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया है कि अपनी स्किन का जो निखार है वो चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे चीनी, शुगर। ओके, तो चीनी आपको लेनी है बारीक वाली, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी चीनी थोड़ी सी मोटी, तो इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था और इसे कर लिया था बारीक इस टाइप से, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी, पाउडर नहीं बनाना है, इसका बूरा नहीं बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने चीनी ले ली और ये मैं अपने घर से लेके आई थी आटा, ओके, क्योंकि पार्लर में आटा नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे आटा लेके आई हूँ। थोड़ा सा आटा मिक्स कर लीजिए, आई होप सभी के घर में आटा होता है, तो थोड़े से आटे में कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा आटा ले लेना है और देखो यहाँ पे मैं कितना आटा ले रही हूँ, तो ज़्यादा नहीं लेना है आपको, एक स्पून टाइप में ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पून नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये वैक्स नाइफ की मदद ली है। और यहाँ पे ले लिया है विटामिन ई के कैप्सूल, आपको ग्रीन वाले कैप्सूल यूज़ नहीं करने, यहाँ पे आपको ऑरेंज वाली यूज़ करने हैं। और ये जो पैक बन के आएगा ना, ये सच में इतना ज़्यादा ऑसम होगा ना, इसका रिजल्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कैप्सूल ले लिए हैं और ये सच में इतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये सब दिखाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो कैप्सूल है इनको हल्का सा कट करना है और इनके अंदर का जो जेल निकलेगा ना वो इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो आपका दूसरा वाला कैप्सूल है उसको भी इसी तरह से कट करना है और उसको भी इसका जो जेल निकलेगा वो इसमें इंक्लूड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, वो तो मेन चीज़ है जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। तो हमें लेनी है कॉफ़ी, अगर आपके घर में कॉफ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पैसे बच जाएंगे। और कॉफ़ी नहीं है तो ये 2-2 रुपए वाले पाउच ले रखे हैं मैंने, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ये 2 रुपए वाला पाउच ले लेना है और यहाँ पे ये कॉफ़ी इसमें इंक्लूड कर देनी है, इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें मैंने ऐड कर दी, एक पैकेट पूरा ऐड किया है, इसके बाद ये कॉफ़ी हमारी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक पैकेट और ले लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 पैकेट मंगवा रखे थे और 2 पैकेट को मैंने इसमें ऐड कर दिया, ऐड करके देखना कितना ज़्यादा इसका लुक आने वाला है। और ये एकदम होम रेडमी है जिससे कि आप अपनी स्किन को ट्रीट कर सकते हो, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हो और ये एज अ फेशियल का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नारियल तेल यानी कि गोले का तेल, ठीक है। तो क्या करना है, इस गोले का तेल को ये बहुत ज़्यादा जम रखा है तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा हॉट कर लेंगे, थोड़ा सा हीट देने के बाद ये क्या हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेंगे गुलाब जल। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हम गुलाब जल ऐड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है वरना ये हो जाएगा पानी पानी, देखते रहना फिर पानी पानी। तो यहाँ पे हमने गुलाब जल कर लिया और इसको फिर हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप घी जैसा कुछ देख रहे हो ना, ये है हमारा गोले का तेल, तो ये है हमारा गोला। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने का तरीका देख लीजिए, आपको एक ही बार में इसको अच्छे से गीला नहीं करना है, मीन्स इसमें पानी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये बैंड, ओके, इससे क्या करेंगे, हम अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर देंगे। ओके, हो गया ये। और जैसे कि बहुत सारे लोग चमक रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चमक लूं, इसीलिए मैंने ये कॉफी पैक बनाया। कि हमारी कॉलोनी के सारे लोग इतना चमक रहे थे ना कि यार न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, न्यू ईयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश हैप्पी न्यू ईयर। तो आज मैं ये सोच रही हूँ कि कल न्यू ईयर पे क्या करना है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा चमक लूँ, तो इसीलिए मैंने ये पैक बनाया जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है, अगर मैं चमक गई ना तो आपको तो डेफिनेटली चमकाऊंगी। तो इसलिए चलो इसका रिजल्ट देखते हैं, एकदम हर्बल में है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू मिलता रहता है, तो यार वीडियोस बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, आप लोगों को सारी वीडियोस जरूर देखनी चाहिए, नहीं देखी तो जाके देख लो। और इस न्यू ईयर पे हम लोग लेके आने वाले हैं कुछ खास, तो ये पहला खास ट्रीटमेंट तो यही है जो कि मैं अपने फेस पे करूंगी और सबसे पहले मैं सुंदर बनूंगी फिर आपको सुंदर बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे मेरा ये जो पैक है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पैक ये इतना थिक हो रखा है ना, बहुत ज्यादा डार्क हो रखा है, तो इतने डार्क से हमारा ठीक रहेगा और ये टपकेगा भी नहीं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसमें जो जो चीजें मैंने मिलाई हैं आप सभी लोगों को दिखा दिया, तो सबसे पहले हम पैक की तरह से इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो आपने ये पैक बना रखा था ना कॉफी पैक, जिससे कि हम चमकने वाले हैं, वो अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप चाहो तो फिंगर की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रश ले रखा है क्योंकि ये ब्रश है ये चिपचिपा बहुत होगा, तो इसलिए आपको चिपचिपापन अगर पसंद नहीं है तो आप अपने ब्रश की मदद से ले सकते हो, वरना तो फिर आप अपने फिंगर से कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होता है और इस तरह से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो फिंगर से ही कर लेंगे, तो कोई दिक्कत फिंगर से भी करने में। और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसे कोई भी डर वाली बात नहीं है कि ये आपके आईब्रो पे लग जाएगा या फिर आपके हेयर रिमूव होके आएंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपको बहुत टाइम तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले ये लगा लीजिए, आप अच्छे से लगा लीजिए, थोड़ा सा थिक करके लगाइएगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ आपके टैनिंग हो रही है उस जगह पे थोड़ा डार्क करके लगाइए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक करके लगाया है और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा गिरे, क्योंकि बीच में लगाते समय ये थोड़ा सा गिर भी रहा था, तो इसलिए। और मक्खियाँ भी आ रही थी, सबसे बड़ी बात देखो मक्खियाँ भी आ रही थी, क्योंकि इसमें हमने चीनी मिला रखी है तो इसलिए शायद उसकी खुशबू लेके आ रही होंगी। तो एनीवेज यहाँ पे हम अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पैक को हमें सबसे पहले अप्लाई कर लेना है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ब्रश को बहुत टाइटली मत चलाइएगा, क्योंकि ये जो पेस्ट है ना, ये जो कॉफी पेस्ट है, ये स्टेम पे बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है, थिक हो चुका है। और याद रखिएगा आपको बहुत टाइम तक भी नहीं छोड़ना है। ठीक, तो ये लगभग हमारा जो पैक है वो लग चुका है। ठीक है, अगर आप चाहो नेक वगैरह पे भी कवर कर सकते हो, नेक वगैरह पे भी लगा सकते हो। और ये थोड़ा सा चक्के भी देखना, ये काफी मीठा मीठा सा लग रहा था, जैसे हमने कुछ डिश टाइप तो में देखना इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसको सूखने में लगने वाला है थोड़ा सा टाइम, और हम कर सकते हैं वेट। ओके, तो आपको भी करना पड़ेगा वेट इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गोले का तेल लेना है, क्योंकि जो ये गोले का ऑयल होता है ना, ये विंटर में बहुत ज्यादा ऐसे जम जाता है ना, जैसे बर्फ जम रखी हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ड्रायर की मदद से इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और फिर हम अपने बाउल में इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये मेल्ट करने पे इतना सा निकला, बट कोई नहीं, हम धीरे धीरे कर निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो निकल जाए यार। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाला, और काफ़ी मेहनत भी करी इसे निकालने में, क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, बुरी तरह से जम रखा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऐसे भी निकाल लिया। और इसके बाद क्या करना है, ये गोले का तेल लेके, ये गोले का जो ऑयल है इसको लेके अपने फेस पे अप्लाई करना है। ओके, जिस जगह पे आपने पैक लगा रखा है उस जगह पे अप्लाई करना है, और अच्छे से अप्लाई करने के बाद क्या करना है, इसे मसाज करनी है। जैसे कि आप नॉर्मली स्क्रब वगैरह करते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पे मसाज करनी है। और मसाज करते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं करनी है, क्योंकि स्किन पे खिंचाव पड़ेगा, तो इसलिए आपको हल्के हल्के हाथों से करनी है, और जिससे कि आपको दर्द भी ना हो और ये प्यार से रिमूव भी हो जाए। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से रिमूव नहीं होगा, कहीं आपको लग रहा हो कि एक बार में लगाया और रिमूव हो गया, मुझे इसको निकालने में काफी टाइम लग गया था। तो इसलिए आप भी अच्छे से करो, और जितना ज्यादा टाइम पे ये निकलेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको अच्छे से रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से रिमूव कर रहे हैं। पहले रिमूव क्या, हम इसके अच्छे से मसाज करेंगे, जैसे कि आप नॉर्मली फेशियल वगैरह में करते हो। अगर आपको फेशियल नहीं आता है तो आप जाके हमारी वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखा रखा है कि किस तरह से फेशियल किए जाते हैं, उनके स्टेप पूरे दिखा रखे हैं, क्लीनअप वगैरह दिखा रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्रब किया, और देखो स्क्रब नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे ऑयल मसाज कर रही हूँ, जो कि हमने अभी नारियल का ऑयल लिया था उससे मसाज कर रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। और मसाज वैसे ही करनी है जैसे कि हम फेशियल वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मसाज करनी होगी, और अच्छे से थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिएगा, थक मत जाना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से मसाज देनी है, जैसे कि आपके फेशियल्स के स्टेप होते हैं वैसे ही स्टेप यहाँ पे भी रहेंगे। घबराना मत, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा निकलने में, कहीं आपको लगे यार इतनी देर हो गई, निकल के क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला ना, जो भी इतनी मेहनत कर रहे हो ना आप, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सच में गजब का होगा। जैसे जैसे आप करोगे, ये जो आपकी कॉफी है ना, ये थोड़े से इस टाइप के कलर ले लेगी, जैसे मिट्टी का कलर होता है ना उस टाइप से, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मिट्टी टाइप में लग रखी है। मुझे पता है अभी भी आपको यहाँ पे कुछ अजीब ही लग रहा होगा, पता नहीं क्या लगा लिया है, एनीवेज मैं बोलूंगी नहीं। ये तो यहाँ पे इस तरह से मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद देखिएगा कितनी अच्छी स्किन हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे से ग्लो भी करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें मसाज करनी है। मसाज करते 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 जब आप करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसके बाद क्या होगा, आपकी जो ये कॉफी है, ये जो पैक अप्लाई किया था, ये रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल जो वाटर है ना, उसकी मदद से आपको इसे वॉश भी कर सकते हो, चाहो तो स्पंज या किसी भी चीज से आप क्लीन कर सकते हो।
मैंने तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पहले मसाज कर ली थी, जो जो एरिया मेरा रह रहा था जैसे आईज के पास रह रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने अच्छे से मसाज करने के बाद ही इसको क्या करा, मैंने रिमूव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, जैसे कि आप नॉर्मली स्क्रब करते हो ऐसे आपको मसाज करनी है। और फिर इसके बाद आपको प्लेन वाटर लेना है, चाहो तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रोज़ वाटर की नीड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने इतना कुछ मिक्स कर रखा है ना कि ये डेफिनेटली आपको ग्लो करेगा ही करेगा। तो ये कोई भी स्किन वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, हाथों को थोड़ा सॉफ्ट रखिएगा। देखो यहाँ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जब मैंने इसको रिमूव किया ना तो इसका ग्लो सच में अच्छा आया। तो देखो यहाँ पे मैं आपको स्पॉन्ज की मदद से रिमूव करके दिखा रही हूँ और सच में इसका जो रिजल्ट है ना वो सच में बहुत अच्छा आया, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सस्ता ये जो है ना कि सस्ता ट्रीटमेंट वो कहूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ग्लो हो गया। और जो ऑयल होता है ना, ये जो गोले का तेल होता है, ये स्पेशली होता है आपकी स्किन को निखारने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ हेल्पफुल रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे निफ्सा, तब तक बाय बाय, टेक केयर।